दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत बढ़िया है। इसमें आप यही बताते हैं बेटा, सर मुड़ाते ही ओले गिर पड़े, ये एक गंजा आदमी है, am I right? और ये बेचारे बरसात में निकल पड़े, ठीक। क्या हुआ कि एक जो बूंद थी वो इनके ऊपर गिरी, एक नहीं कई गिरी होंगी, हम केवल एक बूंद को कंसीडर कर रहे हैं। इसका जो बूंद का जो मास है वो सर ने दिया है, कितने ग्राम का दिया बेटा, 4 मिलीग्राम, 4 mg, समझ रहे हैं, मास के साथ जी। सोती सर ने क्या बताया, मास के साथ जी ग्राम, और वेट के साथ जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद रखना यही सब चीजें हैं जिससे फिजिक्स यू लगती है, एम है तो वो मिलीग्राम हो गया। भाई साहब इसका जो रेडियस था बूंद का वो 1 mm का था, 1 mm का था, और जो इनके ऊपर जो बूंद गिर रही थी तो उसकी जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से टकराई है वो 30 मीटर पर सेकेंड की है, वो 30 मीटर पर सेकेंड की है, एम राइट, यस इसी है ना। हाँ हुआ क्या, बूंद पड़ते ही फट गई, सर मुड़ाते ही ओले पड़े, बूंद पड़ी फट गई, जो फट गई तो क्या हुआ, कितना चली होगी, अरे जितना इसका जो रेडियस होगा ना, इन्होंने अज्यूम किया कि बस उतना ही डिस्टेंस चली है, यानी जितना रेडियस था 1 mm का, तो बूंद जब पड़ी है फट गई है तो वो उतना ही डिस्टेंस चली है, और जब फट गई है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, यानी इनकी खोपड़ी पे 30 मीटर पर सेकेंड से बूंद टकराई, फट गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो बूंद ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कहा यार जितना इनका रेडियस था उतना कवर किया, ठीक। तो कहने लगे एक तो नहीं गिरी होगी, बहुत सारी गिरी होगी, कहने एक ही बूंद के द्वारा कितना फोर्स लगा होगा। तो बेटा एक बार जोर से बोल दो, सोती सर की जय। श्रुति सर के कान में न्यूटन ने मरने से पहले क्या कहा था, क्या सर, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। तो अगर हमको जो बॉडी है जो फोर्स लगा रही है उसका मास पता चल जाए, उसकी एक्सेलेरेशन पता चल जाए, तो हम फोर्स निकाल देंगे। मास तो आपको मालूम है, 4 मिलीग्राम, ये हो गई मिली और ये हो गई ग्राम, बस क्या शेष रह गया, इस डेटा से एक्सेलेरेशन निकाल दीजिए, काम बन गया। आइए एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, बटन लगा दो यार इसके, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनली 0 है, रिटार्डेशन ही हो रहा है, 30 का स्क्वायर माइनस 2a, 1 mm यानी -3, इतना तो समझ ही रहोगे यार, आईटी एडवांस जा रहे हो, मस्त काम बन गया आपने का, 2 × 10⁻³ a, 30 × 30, अबे हमसे फिर लिखवाओगे, लिखवा लो भैया, 30 × 30/2, इधर आके निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत सौ को चलने दो यार, यहाँ काटते हैं, तो आपका काम बन गया दोस्त, एक्सेलेरेशन आपकी आ गई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 900, ठीक, बटे 2 × 10⁻³, एक तो कम ही कर लो, यहाँ से 2 कम कर लीजिए, एम आई राइट, और 9 × 18 0 माइनस 3, एक और नॉर्मलाइज कर लीजिए, तो एक बूंद बेचारे पे 1.8 न्यूटन का लगा रही थी, इसीलिए कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले गिरते हैं, यानी कि आप सोचिए कि एक बूंद इतने न्यूटन, वो गिर गई 100 बूंदे तो क्या होगा, हिसाब लगाइएगा।